वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंचकूला के सेक्टर 4 में हरियाणा राज्य महिला आयोग की तरफ से कई क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाली कई महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरमैन रीनू भाटिया ने कहा कि कोई भी घर, कोई भी परिवार, कोई भी संस्थान महिलाओं के बिना सूना है। उन्होंने कहा कि वो हर पल को महिला दिवस मानती है। साथ ही कहा कि ये विशेष कार्यक्रम महिलाओं को सम्मानित करने का था। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को उनकी तरफ से सम्मानित किया गया है उनकी अपनी अपनी विशेषता है। पंचकूला सेक्टर 6 अस्पताल से एक महिला सुरक्षा कर्मी को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने कोविड-19 के समय में कई महिलाओं और लोगों को अस्पताल में ले जाकर बचाया। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरमैन रीनू भाटिया ने कहा कि उनका हमेशा प्रयास रहता है कि महिलाओं के लिए वो कार्य कर सकें और प्रताड़ित महिलाओं की मदद भी उनकी तरफ से की जा सके। साथ ही हरिद्वार से आई महिला ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि हरियाणा राज्य महिला आयोग के चेयरमैन की तरफ से सम्मानित करना उनका स्वभाग्य है। सबसे पहले मैं देश दुनिया की सभी महिलाओं को हाथ जोड़कर नमन करती हूँ, उनको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। वैसे तो महिलाओं का दिवस हर पल, हर रोज, हर वक्त का है, क्योंकि कोई भी घर, कोई भी परिवार, कोई भी स्थान महिलाओं के बिना सूना है। मंदिर भी माँ की शक्ति के बिना सूने हैं। इसी प्रकार हर घर एक ऐसा मंदिर है जहाँ माँ का होना जरूरी है। तो मैं हर पल को महिला दिवस मानती हूँ, इसलिए हर महिला को भी कहूंगी कि हर पल आपका है, खूब खुल के जियो, समाज के लिए जियो, देश के लिए जियो, अपनों के लिए जियो। आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम जो हमने रखा, बहुत ही जल्दी में हमने तय किया था और जल्दी जल्दी में कुछ बहनों को हम सम्मानित कर पा रहे हैं आज, लेकिन जितनी भी बहनों को हम कर पा रहे हैं सबकी अपनी अपनी एक विशेषता है। और कोरोना के टाइम में कि हमने ड्यूटी करी है कि जिस तरह के लोग बाहर सड़क पर पड़े रहते थे उनको बोलते थे कि नहीं किट पहन के चलना है। हम लोग कई बार ऐसे सोचते थे नहीं ये बिल्कुल लाचार हो जाएगा, किट पहनने की जरूरत नहीं है, इनको पहले बचाना है। तो इसलिए हमने बस सिर्फ यही काम करा कि इंसान की जान बच जाए। जैसे कि किसी के साथ कुछ भी हमारे मोहल्ले में या कहीं बाहर भी किसी भी लेडीज के साथ गलत होता है या कुछ भी होता है, वहाँ मैं जरूर जाती हूँ, चाहे मुझे थाने में जाना हो, चाहे जहाँ मर्जी जाना हो, मैं जरूर जाती हूँ। बस मैडम जी का धन्यवाद कि मैडम बहुत महिलाओं की सुनती है और हर चीज कर रहे हैं। वैसे मुझे ये लगता है कि भारत देश में महिला के शरीर के रूप में जन्म लेना अपने आप में ही एक अवार्ड है, क्योंकि महिला का मतलब है जितनी भी इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हैं वो एकत्रित जहां हो जाती हैं उस शरीर का नाम महिला है। और मैं इसको फील करती हूँ बचपन से ही। जिस समय मुझे कोई गुरु नहीं मिला था, मैं लगभग तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ती थी, तब से ही मुझे कुछ अपने शास्त्र आदि पढ़ करके इस चीज़ की फीलिंग होती थी कि बहनों में अतिरिक्त शक्ति होती है। जैसे हमारे देश में साधु महात्माओं का बहुत सम्मान होता है, तो साधु महात्मा क्या करते हैं, अपना घर परिवार छोड़ करके मानवता की सेवा करते हैं, उनको साधु महात्मा कहते हैं। लेकिन मेरे देश की हर महिला ये काम बहुत आसानी से करती है। 20 साल तक जिस परिवार में, जिन माता पिता की गोद में वो पली, 1-3 घंटे के संस्कार करवाने के बाद, विवाह संस्कार के बाद, वो कितनी आसानी से किसी अनजान फैमिली को अपना लेती है।